ओम संधि। शरीर का नाम केशव है और ज्ञान ज्ञान में में तो कब बचपन से? से आए, छोटे थे तभी। लौकिक पिताजी पहले ज्ञान में आए, फिर 73 में पहली बार मधुबन में आए, क्योंकि मधुबन में छोटे बच्चों को नहीं लाते थे पहले। तो मैं जब 7 साल का हुआ तब पहली बार आए, फिर बाद में मधुबन तो आते रहे, फिर बच्चों के प्रोग्राम जब शुरू हुए ना उसमें हमने आना शुरू किया। और उसमें आते थे तो मधुबन के भाइयों का प्यार और टोली, ये दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। ज्ञान तो इतना समझ में नहीं था, लेकिन ये दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। ये देख देख के हम लोग मधुबन में समय आ गए और 92 में समर्पित हुए। तो जब समर्पित 1992 में 92 में, आप यहाँ ऑफिशियली हाँ सरेंडर ऊपर हो से गए, समय शांतिवन में या वो शांतिवन में, शांतिवन में ऐसे थे? 15 दिन की सेवा में आए थे। लेकिन जो भोपाल भाई है उन्होंने मुझे बोला कि नहीं 1 महीना और रुक जाओ। 1 महीना पूरा हुआ फिर बोलता अभी बहुत सेवा है और रुको, ऐसे करके फिर कंटिन्यू रुकते रहे ऐसे करके समर्पित हो गए। और मधुबन में मैं जितने भी समर्पित भाई है ना उसमें सबसे नज़दीक बाबा के घर में जन्म स्थान मेरा है, माना लोकल यहीं के हम लोग, यहाँ से अच्छा 25 किलोमीटर दूर। तो अभी जल तक ये रिकॉर्ड मेरा किसी ने तोड़ा नहीं, इसलिए इस बात की बहुत खुशी रहती अच्छा है ना। तो आप हाँ और कोई ना बाकी कोई विशेषता है, आपकी विशेषता है जी। जज। बहुत अच्छा लगा आप आए हैं। एंड मिश्रा जी आप कुछ बताएंगे? ओम शांति। शरीर का नाम राम सुख मिश्रा है, लेकिन बड़ी दादी जी ने मेरा नाम मिश्रा जी करके बुला दी, काले और छोड़ो लोग केवल मिश्रा जी के नाम से, तो इसलिए यहाँ पर मिश्रा जी करके मुझे बुलाते हैं। बाबा मुरली में बोलते मुरली पर विशेष अटेंशन देना। मैं मधुबन में केवल 5 मिनट के अंदर तैयार हुआ और मधुबन में आया 1 मास की सेवा के लिए। तब से 1 मास अभी पूरा नहीं हुआ, 92 से आ करके सेवा दे रहा हूँ, ये Did you मेरा get अनुभव। it? हाँ वर्जिनी दिल्ली के जी पास जी है, बागपत है उसकी, वहाँ से निकले। और ये जो स्टोर की इतनी सारी हैं उसमें क्या कैपेसिटी है, कितना टोटल, कुछ आइडिया है आपको? हम यहाँ पर 6,000 बोरी गेहूं रख सकते हैं, लेकिन गेहूं यहाँ नहीं रखते, हम ज्ञान सरोवर में रखते हैं। और इतना ही चावल हम रख सकते हैं, चावल और अनाज। हाँ चावल यहाँ रखते हैं। और जितनी दालियाँ हैं सब हमारे 1,000 बोरी क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर दाल रखता हूँ चने की, 500 बोरी तुअर दाल, 400 बोरी मूंग दाल, और फिर 200-200 बोरियाँ और सब रखते हैं, क्योंकि हम सारा 1 साल का एडवांस रखते हैं। चावल जो हम खरीदते हैं और यहाँ पर हम जो रखते हैं चावल है, अभी अगर हम स्टॉक करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको 2015 में खिलाएंगे, 2 साल का पुराना चावल खिलाते हैं। अच्छा, सब उसमें ये बात कि जैसे थोड़ा सा भी घरों में चावल होता है, अनाज होता है, फौरन कीड़ा लग जाता है, और ये इतने इतने हजारों किलोग्राम जो रखते हैं, तो उसमें खास क्या ध्यान रखते हैं आप? हम लोग क्या करते क्योंकि बरसात भी होती है, गर्मी भी होती है। अनाज जो खराब होने का समय होता है वो मई से लेकर अगस्त तक, उसमें हम क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं और उसमें सल्फास की गोलियां डालते हैं, और डालने के बाद 8 दिन के बाद हम उसको खोलते हैं, 8 दिन तक पैक रखते हैं। तो हम उसमें गोलियां जो रखते हैं बोरी के अंदर नहीं रखते, बाहर रखते हैं, तो फिर कागज पे रख करके फिर बाद में उसको उठा करके फेंक देते हैं, तो उसकी जो स्मेल उसकी है, गैस उसमें है, उससे वो सब खत्म हो जाता खत्म है। हो जाते तो हैं। अन्न अन्न के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता कोई? नहीं ग्रेन रिमेन्स गुड। जो हमें यूज करना होता है अनाज उसको मैं क्या बोलता हूँ अलग से रखता हूँ, क्योंकि 2 महीने के बाद ही वो यूज हो सके। आप बताइए कब से हैं ज्ञान में? ब्रदर मुरली, ओम शांति। नाम तो सुन ही लिया आपने, आप थोड़ा नजदीक करेंगे इसको, माइक को नजदीक। हाँ 35 साल से ज्ञान में हूँ और 28 साल से मधुबन में रहता हूँ, और मिनरल वाटर, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, शिवमणि, सभी का व्यवस्था मिनरल वाटर की मैं करता हूँ 28 साल से।
और फूड फॉर जर्नी, रास्ते का भोजन, पांडव भवन का सेवा 28 साल से पांडव भवन में रास्ते का भोजन फूड फॉर जर्नी का सेवा करता हूँ। और जितने भी जो मिनरल वाटर है जी, क्लीन वाटर है, पहले तो हम लोगों के पेट खराब हो जाते थे, पानी होता था, लेकिन जब से मिनरल वाटर लगा है अभी बहुत अच्छा हो गया है। तो ये जो रोज की पानी की खपत है, रोज जितना हम पीते हैं वो कितनी है लगभग रोज की? जैसे पार्टी जैसे ज्यादा आती है तो समय ज्यादा खपता है, सपोज करीबन 1,00,000 लीटर पानी मिनरल वाटर। वाह, कितने ऐसे प्लांट्स हैं हमारे तीनों कॉम्प्लेक्स में? करीबन 10 लोग, तीनों जगह पर, तीनों मिला के तो 35, करीबन 30-35। और इसका जो कॉस्ट है वो कितना है लगभग? इसकी खास बात यह है कि ये 1 लीटर पानी हमारे को 2 पैसे में पड़ता है। और खास बात यह है कि इसमें 65 लीटर पानी रिजेक्ट होता है, और वो रिजेक्ट वाटर भी हम 1% भी मतलब वेस्ट नहीं करते हैं, उसको भी हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं हम। ओके ओके, बहुत अच्छा। और इसका जो है टोटल जो मशीनें कितनी हैं ये प्लांट्स में जितनी भी हैं? ये जो आपने प्लांट देखा ये सिर्फ डाइनिंग हॉल में लगा हुआ है, और सिर्फ डाइनिंग हॉल के लिए, बाकी जितने भी मकान हैं हर मकान पर अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, करीबन टोटल 35 प्लांट्स है। और जो ऑफिस में छोटे मशीनें लगी हुई है करीबन 125 मशीनें हैं, छोटी जो छोटे आरओ मशीन आते हैं। और आप कह रहे थे कि अब जितने भी इंडिया के दूसरे बड़े सेंटर्स हैं वहां पर भी ऐसे ऐसे प्लांट्स लगवाए हैं, तो कितने हैं टोटल लगभग? करीबन 1,000। 1,000 शायद, एक पेरिस में भी लगा है, एक स्पेन में भी लगा हुआ है, लेके गए थे यहाँ से। ओके गुड गुड। और कुछ कहना चाहते हैं कि अच्छा पानी डिपार्टमेंट में आप कैसे आ गए? ऐसा है कि जब मैं ज्ञान में चला आया तो अब ये तो फिक्स हो गया था कि सतयुग में हम आएंगे, लेकिन सतयुग में आने के बाद वहाँ देवी देवता तो सभी बनेंगे, लेकिन मुझे तो ऊंचा पद प्राप्त करना ये काम, मतलब वहाँ जाके फायदा क्या, देवी देवता तो सभी होंगे लेकिन वहाँ जाके ऊंचा पद प्राप्त करना है, यह मुझे बहुत फिक्र होती थी कि मैं ऊंचा पद कैसे प्राप्त करूँ। तो बाबा से जब मैं मिल रहा था 85 में, तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे बेहद की सेवा में आओ, बेहद की सेवा में बेहद की खुशी है, बेहद की प्राप्ति है। तो मेरे मन में आया कि बेहद की प्राप्ति जहाँ ज़्यादा सेवा होगी वहीं ऊंचा पद मिलेगा। तो फिर मैं मधुबन में बस उसी दिन मतलब वहाँ सेवा में रुका, और आज तब से लेकर आज तक मतलब यही हूँ, मैं वापस नहीं गया। और उसके बाद क्या है कि ये किचन की सेवा क्यों लिया, क्योंकि किचन में तो काम तो हाथ से करते हैं हम, लेकिन मन तो फ्री रहता है, तो मन को हम बाबा में लगा सकते हैं, प्रसाद में लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने किचन की सेवा लिया। लेकिन आप मान लीजिए पानी की सेवा करते हैं, वो सेट हो गया सब, एंड उसके बाद कभी फ्री टाइम में और कुछ आप और भी डिपार्टमेंट कुछ? हाँ, तो जब मेरे पास समय मिलता था तो पांडव भवन में, ओम शांति भवन सभी जानते हैं, तो वहाँ पर करीबन रोजाना 5,000 टूरिस्ट आते हैं, तो मैंने 17 साल तक 2,000 लोगों को रोज सेवा करता था, और 17 साल तक, और करीबन 10 साल से तो नहीं किया लेकिन 17 साल तक मैंने ये सेवा किया टाइम निकाल करके, जिसमें 2,000 लोग अटेंड करता था मैं। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, जब मैं शुरू में आया तो मुझे 2 बैकेट पानी की, 15-15 लीटर की 2 बैकेट और 4 मटका मिला था, और 10 साल तक मैं बैकेट से पानी भरा, तो फर्स्ट फ्लोर तक बैकेट से ले जाता था 30 लीटर पानी, और वो पहले तो पानी को बॉइल करता था, बॉइल करने के बाद उसको मटके में ठंडा करता था, फिर ठंडा करके फिर वापस बाल्टी में डाल के फिर पीने की जगह डालता था। फिर मशीनें आ गई, फिर बाद में जी। तो जितने भी पांडव भवन में वर्कर्स थे करीबन 25 साल तक उन वर्कर्स को भोजन, चाय और टोली और भोजन की व्यवस्था करता था, और जो बाहर से ड्राइवर आते थे उनको रहने की व्यवस्था करता था साथ में। और पहले फूड फॉर जर्नी जो है वो लोग किचन से लेके आते थे भाई बहने, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कई बार कोई होता नहीं था वहाँ, तो फिर मैंने अपने मन से एक काउंटर लगा दिया, और 2 साल तक दादी को भी मालूम नहीं था कि मैं यानी ये फूड फॉर जर्नी चालू किया है। मतलब क्या देते थे? फूड फॉर जर्नी के लिए लोग पहले किचन में जाते थे। ओके ओके ओके। तो मैंने एक छोटा सा काउंटर लगा कि सब वहाँ पर ही, नहीं तो हर चीज अलग अलग से लानी पड़ती थी, किसी को प्लास्टिक अलग से लाना पड़ता था, अचार दूसरी जगह से, तो मतलब मैं सब इकट्ठा करके मैं देता था। एक दादी मेरी सेवा से इतना खुश थे कि मैं एक अनुभव बताता हूँ। मैं कहीं से मतलब कहीं जा रहा था तो दादी ने मुझे बुलाया, बोला कि मुरली मेरी एक इच्छा है। मैंने कही क्या इच्छा है? बोले तू मांग ले मेरे से, तू जो मांगना है मांग, तू मैं दूंगी तुम्हें। मैं एक जरूर अनुभव सताऊंगा एक, तो हम इस संगम युग में जो भी प्रसाद करते हैं उसका 5,000 साल तक इफेक्ट रहता है, जो आगे 5,000 साल आएंगे उसका इफेक्ट, आप जो भी अभी प्रसाद करेंगे
उसका 5000 साल तक इफेक्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 28 साल से पीने के पानी की सेवा की है। तो पीना पानी दो प्रकार का होता है, एक जनरल यूज के लिए और एक पीने के लिए। तो पीने के लिए मीठा पानी चाहिए, तो मैंने 28 साल से पीने के पानी की सेवा किया है। तो मेरा पिछले जो संगम युग में मैंने जो प्रसाद किया था, तो उसका इफेक्ट इस संगम युग में मुझे मिला कि मेरा जिस घर में जन्म हुआ तो वहाँ करीबन 1000 घर बने हुए हैं, सिंधी फैमिली है वहाँ पर रहते हैं। तो हमारे घर में एक हैंडपम्प था और उस हैंडपम्प में मीठा पानी आता था, लेकिन बाकी जो 1000 और जो फैमिली रहती थी सबके घर में खारा पानी, सबके घर में खारा पानी आता था लेकिन हमारे घर में मीठा पानी आता था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं बड़ा हुआ, ज्ञान में चला, फिर ज्ञान में चलने के बाद यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद एक दिन के लिए मैं घर गया था, तो मेरी माताजी ने बाहर मेरे लिए पानी बाहर से लाने के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा बाहर से क्यों ला रहे हैं, बोले आप जिस दिन यहाँ से चले गए जिस दिन से, उस दिन से पानी खारा हो गया, फिर उसके बाद कभी मीठा नहीं।